हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रोजेक्ट खुश को देख दुनिया में बवाल। अमेरिका बोला भारत ने इससे बनाया कैसे डीआरडीओ इंडिया चाइना। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आयरन डोम से भी खतरनाक ब्रह्मास्त्र उतारने की तैयारी में हमारा भारत। इस बार डीआरडीओ वो बनाएगा जो किसी भी देश के पास अरे वाह। S-500 और थार्ड का भी बाप होने वाला है भारत का ये सिस्टम। दोस्तों, इसराइल पर कभी हमास, कभी हिजबुल्ला तो कभी हुती विद्रोही आए दिन हमला करते रहते हैं, और इन सब के हमले को नाकाम करता है इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम की यही खूबी देखकर भारत ने भी इसराइल से आयरन डोम खरीदने की इच्छा जाहिर की। डील भी होने वाली थी, सब रेडी हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी उसने भारत को इसराइल से आयरन डोम खरीदने का जो फैसला था उसे बदलना पड़ा। ध्यान से सुनिएगा। और ये घटना थी हमास द्वारा इसराइल पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट फायर करना और इस हमले में आयरन डोम का फेल हो जाना। नतीजा, इसराइल के हजारों लोग मारे गए। हमास ने इसराइल में जमकर कत्लेआम किया और बाकी की कहानी आप खुद जानते हैं। और भारत को इसी बात से अंदाजा लग गया कि आयरन डोम भी फुल प्रूफ मिसाइल या रॉकेट को रोकने में सक्षम नहीं है। भारत को चाहिए एक फुल प्रूफ जो आयरन डोम से भी ज्यादा एडवांस और आधुनिक हो। नहीं, हमारा तो एरिया भी बहुत ज्यादा है। ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जिसे इसराइल ने ना तो बनाने के बारे में सोचा था और ना ही किसी देश के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम होगा। फिर जानेंगे आज किस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे किसी के पास ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें एक टाइम पे 1,000 को फायर कर दे 2,000 को आप, क्योंकि जय हिंद लिखना हमारे देश के लिए शान की बात है। दोस्तों, दरअसल भारत चीन और पाकिस्तान को अच्छे से जानता है, वह भी हमास की तरह ही कोई हमला कर सकते हैं। इसी के चलते भारत एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करने जा रहा है जो न केवल आयरन डोम बल्कि रूस के S-400 और अमेरिका के थार्ड से भी काफी उन्नत होगा, सटीक होगा। और सबसे बड़ी बात, यह स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार कर सकने वाले मिसाइल सिस्टम होगी जिसे DRDO खुद तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को कुश नाम दिया गया है। कुश यानी लव कुश। आपने रामायण में तो लव कुश का नाम सुना ही होगा, शायद ये वहीं से लिया गया है कुश। ये प्रोजेक्ट 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा, यानी इसमें 5 साल का समय लगने वाला है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले स्टेल्थ लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और सटीक निर्देशित हथियारों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। आपको बता दें कि इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी से जुड़ा हुआ महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कुश DRDO की तरफ से विकसित की जा रही स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम है जो हाल ही में शामिल किए गए रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा एडवांस होने वाला है। यह 3 लेयर का होगा, यानी 3 स्टेज वाला। यह दुश्मन के हवाई जहाज, फाइटर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर यह मिसाइल को 400 किलोमीटर के रेंज में मार गिराने में सक्षम होगा। 20,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में सफल होने के बाद भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद की हवाई सुरक्षा प्रणाली होगी। दोस्तों, मई 2022 में सरकार की तरफ से मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में इस सिस्टम को मंजूरी मिली थी। इसमें लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार के साथ मोबाइल लॉन्चर से 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की दूरी पर शत्रु लक्ष्यों को मार गिराने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी। कहने का मतलब है कि जिस मिसाइल को भारत बना रहा है वह 3 लेयर की होंगी, यानी अलग अलग रेंज की अलग अलग मिसाइलें होंगी जो अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होंगी। इसमें अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर का होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि S-400 सिस्टम की 3 स्क्वाड्रन भारत के पास है जो चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर पहले ही तैनात है। अभी 2 स्क्वाड्रन और भारत आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल उनकी तारीख तय नहीं है। इसके अलावा DRDO जमीन से छोड़े जाने वाली और युद्धपोत से छोड़े जाने वाली हवाई सुरक्षा मिसाइलों में काफी आगे बढ़ चुका है। भारत की तीनों सेनाओं के पास इस समय मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल MRSA मौजूद है। हालांकि भारत के पास पहले से ही रूसी S-400 है, जिससे कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम S-400 होने के बावजूद भारत प्रोजेक्ट कुश पर क्यों काम कर रहा है। अपना है भाई। अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, S-400 दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस महंगा भी है सबसे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रूस ने इसको चीन से भी बेच रखा है, इसलिए चीन इसकी ताकत और कमजोरी दोनों जानता होगा।
और तो और हमने सिर्फ 5S400 के लिए रूस को 5.43 बिलियन डॉलर दिए। सोचिए ये कितना महंगा है। अगर भारत S400 के जितना समतावान डिफेंस सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाता है तो हम जितना चाहें उतना अपने जरूरत के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ऊपर से इसकी तकनीक, इसकी असल मारक क्षमता चीन और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एनोनिमस होगी। यह पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क पर आधारित होगा। इसके तीन लेयर होंगे। पहले लेयर पर यह 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करके हवा में ही नष्ट कर देगा। दूसरे लेयर वाला 250 किलोमीटर के रेंज में आएगा और तीसरे लेयर वाला 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी दुश्मन के ऑब्जेक्ट को पहचान कर उसे मार गिराएगा। और ये ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आयरन डोम की जगह पर बन रहा है। तो आप खुद सोचिए कितना एडवांस होगा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग बोलते हैं कि आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, भारत इतना एडवांस वेपन बना ही नहीं सकता। तो ठीक है, आप ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं दोस्तों कि क्या भारत, हमारा DRDO, इस लेवल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना सकता है, बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। भाई हमारे भारत में ब्रेन की कमी नहीं है। अगर प्रॉपर उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनको सारे मटेरियल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी दी जाएं, अच्छी सैलरी दी जाए, तो कमाल कर सकते हैं। तो DRDO तो अमेजिंग जॉब कर ही रहा है। और जिस तरह से बता रहे 3 लेयर्ड है, अमेजिंग, क्योंकि ये अपना है और शुरुआत हमें करनी है और बहुत फास्ट करनी है। मुझे मोदी जी की बात हो याद आ रही है, ये नहीं सुना कि कब आने वाला है। कह रहे 2028 के आसपास, 5 साल लगेंगे शायद, 5 साल बोला था शायद। पर मैं एक बोल बोलूँ कि भैया मोदी जी की मुझे वही बात याद आ रही है कि आपको जो भी आप बनाना बनाओ, पहले तो अपने देश में ही बनाने को बोला था मोदी जी ने। फिर कहा था कि जितना पैसा आप बोलते हो कि इतने में बनेगा तो उसके अंदर ही बनाओ, और साथ में अगर आपने टाइम बताया कि इतना टाइम लगेगा तो उस टाइम के अंदर ही बनाना है। तो मोदी जी का फोकस इस एरिया में है कि हम खुद बनाएं ऐसे ऐसे वेपन्स। देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जो दूसरे लोग अटैक कर रहे हैं, जैसे हमास वगैरह में था, वो ज़रा से रॉकेट से अटैक कर रहे थे, जो ज़्यादा पावर नहीं थी, सस्ते मिल जाते हैं, और जिस चीज़ से हम मार रहे हैं अगर वो इतनी महंगी है तो आपको कितना पैसा बर्बाद हो जाएगा। प्लस उनको ये पता है कि एक लिमिट है कि आप 50 के करीब अगर एक टाइम पे करोगे तो हैंडल कर सकता है, उससे यार नहीं कर सकता, वो 1000 फेंक दें फिर, क्योंकि छोटे छोटे रॉकेट हैं, उनको करना है सिर्फ वहाँ जाके एक्सप्लोड ही करना है। तो अगर 1000 फेंक दें और एक टाइम पे वो कितनों को इंटरसेप्ट कर देते, कोई आजकल ऐसा नहीं है जो इतना हाई वॉल्यूम को टैकल कर सके। साथ में पैसा, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया था कि $1 बिलियन की आया है, जितना भी एक स्क्वाड्रन बोल रहे हैं, उस बंदे ने फायर किए 200 रॉकेट, हमारा सारा 1 बिलियन वहीं चला गया एक हफ्ते में, सारे उन्होंने अटैक किया। अभी हफ्ता क्या, मैं दो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर जाके रशिया से ऑर्डर करते फिरेंगे, हाँ जल्दी भेजो, बोलेगा अगले साल तक आ जाएगा भैया, वो भी इतना महंगा। तो वॉर खत्म हो गया सब, चौपट हो गया। तो इसलिए ऑब्वियसली आपको अपनी प्रोडक्शन चाहिए, बड़े ज़बरदस्त आपके वेपन चाहिए कि जो भी हो सके फटाफट आप कर सकें। जब इसराइल के भी वेपन्स ख़त्म हो रहे थे तो उसने इमीडिएटली यूएस से कहा था, तो यूएस ने अपने भेजे थे। तो ये हाल है कि जो कंट्री खुद बनाती है उसके पास भी इतनी प्रोडक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि साथ वाला इतनी देर से प्रिपेयर कर रहा होता है, इकट्ठे कर रहा होता है माल, उनको इसी का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, उनको पता नहीं था कि इतने उनके पास थे मिसाइल्स फायर करने के लिए। बिल्कुल। तो चलो यार, अभी शेखर ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।